हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हल्का हलचल और आपके साथ मैं हूं गौरव कुमार पांडे। हल्का हलचल में एक बार फिर से आपका स्वागत है, जहां हम अगले आधे घंटे में आपको लेकर चलेंगे आपके अपने हलके में। सबसे पहले चलते हैं कैथल, जहां से विपिन शर्मा हमारे संवाददाता। विपिन को प्रकट कराइए। विपिन चलिए प्रकट हो गया आपकी स्क्रीन पर। विपिन गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, नए साल के आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। मौसम कैसा है नए साल में? जी आपको बता दें कि धूप, सूर्य देवता निकले हैं, लोग धूप का भी मजा ले रहे हैं और ठंड का मजा भी ले रहे हैं। चलिए, मतलब आज थोड़ी राहत है आपके यहाँ। जी बिल्कुल ठीक है। एक बात बताइए, आपके यहाँ आज खबरें क्या क्या रहने वाली हैं? हाँ जी, आपको बता दें कि आज कैथल के जाट स्कूल के अंदर एनएसएस का शिविर का आयोजन किया जाएगा। और दूसरी बड़ी खबर है कि इनेलो सुप्रीम ओम प्रकाश चौटाला आज शाम को लगभग 4 बजे अंबाला रोड पर स्थित आरके पैलेस के अंदर कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेंगे और मुंडरी के अंदर किसान भवन के अंदर भारतीय किसान यूनियन की बैठक होने वाली है। और चौथी और बड़ी बात कहें हम तो कि कर्मचारी 8 तारीख को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल के लिए हनुमान वाटिका में इकट्ठे होंगे और अपनी रणनीति को तैयार करेंगे। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। सतबीर लंबोरिया भूना से जुड़ गए हैं हमारे साथ। सतबीर हैप्पी न्यू ईयर, मौसम कैसा है? चलिए, लगता है सतबीर तक आवाज नहीं जा रही है। विपिन एक बात बताइए कि आज जब नए साल में हम प्रवेश कर चुके हैं कल, तो क्या आलू प्याज की कीमतों में कोई फर्क आया है या पिछले साल में जिस तरह से परेशान थे लोग, अभी भी प्याज परेशान कर रहा है? ₹120 किलो बिक रहा है। हाँ, आलू की कीमत में जो 40 से 50 रुपए किलो बिक रहा था, वो नई फसल आने की वजह से ₹25 किलो के आसपास हो गया है। और टमाटर में भी आप कह सकते कमी आई है, लगभग 25 से 30 रुपए किलो तक आ गया है टमाटर भी। हम कह सकते हैं कि प्याज के रेट तो नहीं, क्योंकि प्याज की स्टोरेज हो रही है, उसकी कालाबाजारी हो रही है, बाकी सब्जियों के दामों में थोड़ा फर्क आया है। ठीक है, मुझे एक चीज और बताइए कि आपके यहाँ इस वक्त, क्योंकि पूरे देश में एक माहौल बनाने की कोशिश जरूर नजर आ रही है विपक्ष की, चाहे एनपीआर को लेकर हो, सीएए को लेकर हो, एनआरसी को लेकर हो, तो इन सब पर कैथल में किस तरह की हलचल है? जी आपको बता दें कि कैथल के अंदर एक कुछ संगठनों ने इसके ऊपर एक प्रदर्शन भी करने किया था, लेकिन उस प्रदर्शन के अंदर वो लोग आए हुए थे जो इस कानून के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे। हरियाणा में उन्होंने उनका खुलासा भी किया था। हम लोगों ने काफी लोगों से बात की कि आप इस कानून के बारे में जानते हैं, तो पता लगा कि वो लोग मनरेगा मजदूर थे, मतलब उनको कानून से कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ मात्र एक भीड़ इकट्ठा करना था। कैथल में इस कानून का विरोध कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, कहीं नहीं हो रहा है। चलिए विपिन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब आपको लेकर चलते हैं कालावली, जहां से जगदीश प्रजापति हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगदीश को प्रकट कराइए यहां पे। ये देखिए जगदीश प्रकट हो गए हैं। जगदीश गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी गौरव, बिल्कुल मैं श्री हरि नारायण की कृपा से ठीक हूँ। कामना करता हूँ कि पूरे हरियाणा के दर्शक भी ठीक होंगे। जी गौरव बिल्कुल, मौसम कैसा है? जी अगर मौसम की बात करें तो आज सुबह ही सूर्य देवता के जो दर्शन हो चुके हैं, अगर जो कोहरे की परत थी वो कहीं ना कहीं हट नजर आ रही है, ठंडक में भी थोड़ा जो कम होती नजर आ रही है। जी गौरव ठीक है, खबरों के लिहाज से आज क्या है आपके यहाँ? जी गौरव, खबरों के लिहाज से अगर बात करें तो बिजली मंत्री रंजीत सिंह ने कल लोगों को एक तोहफा देते हुए
बात कही है कि नए साल पर कि वो उन लोगों के बच्चे पेपर दे पाएंगे जो बच्चे बिजली का जो जिनके उपभोक्ता बिजली का बिल भरते हैं, क्योंकि नॉन डूज उनको देना पड़ेगा, नहीं अन्यथा बच्चे पेपर नहीं दे पाएंगे। उन्होंने कहा कि वो 5 जनवरी को इसार में फतेहाबाद की 30 पंचायतों को लगभग इसके लिए जागरूक करेंगे और जल्द ही स्कीम को हरियाणा में लागू करेंगे कि जो उपभोक्ता बिल भरेंगे उनके बच्चे ही एग्जाम दे पाएंगे। जी, तो इस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल, लोगों में कहीं ना कहीं गौरव, जब कल जैसे ही खबरें फ्लैश हुई और लोगों में व्हाट्सएप सोशल मीडिया पे जारी हुआ तो लोगों में उस समय रोष था। लोग रोष व्यक्त कर रहे हैं कि जो चौटाला परिवार के लोग इस तरह की ओछी राजनीति शुरू से करते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्होंने पावर में आते ही फिर वही दबंगी शुरू कर दी है, क्योंकि जो गरीब उपभोक्ता है वो अगर बिल नहीं भर पा रहे तो क्या उनके बच्चों का ये कसूर है कि वो पेपर नहीं दे पाएंगे? कहीं ना कहीं इनका विरोध जो है वो जारी है। जी गौरव, जल्दी से आलू प्याज की कीमतें बता दीजिए। जी, अगर प्याज की बात करें तो दोबारा से 70 से 80 रुपए और आलू 20 से 30 रुपए और टमाटर जो है 30 से 40 रुपए का भाव छू रहे हैं। जी गौरव, चलिए बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जगदीश प्रजापति जुड़े थे, अब आपको ले चलते हैं फतेहाबाद, जहां भूना से सतबीर लंबोरिया हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। सतबीर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? नमस्कार गौरव जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। मौसम कैसा है आज? लग रहा है कि ठंड कम है। देखिए गौरव, बिल्कुल मौसम आज बिल्कुल खुला है, सूर्य देव ने सुबह से ही दर्शन दे दिए, यहाँ कोई फोग नहीं है किसी प्रकार का और आज आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं। ठीक है, खबरों के लिहाज से अगर देखें तो आपके यहाँ खबरें क्या क्या हैं जो आज इनकी वजह से हलचल रहेगी? देखिए, आज सबसे बड़ी जो खबर है वो यहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी दयानंद सिहाग को कल एक हरियाणा सरकार ने अपने एक आदेश के अनुसार निलंबित कर दिया था, वही सबसे बड़ा मुद्दा है जिसमें उन पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने 28 लेक्चरर और 3 नॉन टीचिंग स्टाफ को इधर से उधर कर दिया था, यानी उनको कहीं एडिशनल चार्ज दे दिया था और कहीं उनको डेप्टेशन पे भेज दिया था, तो इस प्रकार के मैटर में उनको निलंबित कर दिया गया है, जिसका यहाँ की जो हरियाणा लेक्चरर संघ है उन्होंने आरोप लगाया है सरकार पर कि सरकार ने बिना जांच के कार्रवाई की है, ये बिना जांच के ही इनको सस्पेंड कर दिया है। ठीक है, जल्दी से आलू प्याज की कीमतें बता दीजिए। देखिए गौरव, अभी तक आलू प्याज की जो कीमतें हैं वो जस की तस बनी हुई हैं, यानी आम आदमी को अभी कोई राहत नहीं है, बाजार में वही दाम जस की तस बरकरार हैं, 100 रुपए के आसपास प्याज है और 25 से 30 रुपए के रेट में आलू मिल रहा है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। सुधीर लंबोरिया फतेहाबाद से हमारे साथ भूना से जुड़े थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक से जब लौट कर आएंगे तो आपको बताएंगे कि आपके हलके का हाल क्या है और सीधे लाइव सुबह सुबह हमारे रिपोर्टर्स जुड़कर आपके हलके का हाल आपको ही बताएंगे। एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब आपको लिए चलते हैं, जैसा हमने वादा किया था आपके हलके में, हम चलेंगे फरीदाबाद जहां से राजा पटेल और उकलाना जहां से अनूप कुंडू हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। दोनों आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त प्रकट हो गए हैं। दोनों को गुड मॉर्निंग। अनूप, आप पहले बताइए, नए साल में मौसम के मिजाज में कुछ बदलाव? आज की बात करें तो आज मौसम में बदलाव है, सुबह सुबह धूप खिल चुकी है और जो सर्दी है वो तो ज्यों की त्यों है, टेम्परेचर कम है, लेकिन कल दोपहर बाद नए साल पर धूप खिली थी लेकिन आज सुबह सुबह धूप खिल गई है जिससे लोगों ने राहत ली है। ठीक है, राजा आपके यहाँ मौसम कैसा है फरीदाबाद में?
जी बिल्कुल, देखिए गौरव, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मौसम तो साफ है पर हवाएं कहीं ना कहीं चल रही हैं और जो टेम्परेचर है उसकी वजह से हवाओं की वजह से काफी लो है। शीतलहर आज भी बरकरार है, हालांकि कल के दिन काफी मौसम साफ था, धूप भी खुली हुई थी, पर आज मौसम दोबारा से मौसम तो साफ है पर शीतलहर हवा हल्की हल्की चल रही है, ठंडी हवाएं ज्यादा चल रही है। जी गौरव, ठीक है। अनूप, आप ये बताइए कि आपके यहाँ आज कौन कौन सी खबरें हैं जिनकी वजह से हलचल रहेगी आपके यहाँ? गौरव जी, अगर खबरों की बात करें तो सियासी हलचल कुछ ज्यादा रहने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ इलाके से जो भी नेता है वो लगभग चंडीगढ़ गए हुए हैं, लेकिन सामान्य खबरें यहाँ पर जरूर रहेगी। इसके अलावा नगरपालिका उकलाना की भी खबर रहने वाली है, जहाँ पर मतदाता सूची को लेकर हरियाणा न्यूज पिछले दो बार खबरें दिखा चुका है और जो मतदाता सूची में उसमें भारी गड़बड़ी है, उसमें कल यहाँ पर SDM आकर के सुनवाई करेंगे, उससे पहले आज लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। जी गौरव, ठीक है। जल्दी से आलू प्याज की कीमतें बता दीजिए आप। गौरव, अगर उकलाना की बात करें तो प्याज जो है अपने शतक पर ही है और आलू के भी रेट लगातार बढ़े हुए हैं, अन्य हरी सब्जियां हैं उनके रेट भी महंगे हैं, फिलहाल सब्जियों के रेटों में कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आई। चलिए अनूप, आपका बहुत शुक्रिया। अब राजा पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजा पटेल को यहाँ जरा प्रकट कराइए स्क्रीन पर एक बार फिर से। राजा देखिए आपके साथ जुड़ गए हैं। राजा, आपके यहाँ फरीदाबाद में आज कौन कौन सी खबरें हैं जिसकी वजह से हलचल रहेगी? जी बिल्कुल, देखिए गौरव, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार सर्दी ज्यादा पड़ रही है, इसको लेकर किसानों में कहीं ना कहीं चिंता है, क्योंकि जो हरी सब्जियां हैं खासकर जो पालक है, मेथी है, धनिया है, उनको काफी नुकसान पहुंचा है। मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा नुकसान फरीदाबाद के किसानों को हुआ है, उनकी काफी ज्यादा जो हरी सब्जियां हैं, लगातार जो पाला पड़ रहा है, लगातार जो सर्दी पड़ रही है, उसकी वजह से नुकसान हो गया है। वहीं मंडियों की बात करें तो प्याज अभी भी 80 से 90 रुपए किलो प्याज बिक रही है, वहीं आलू कहीं ना कहीं 25 से 30 रुपए किलो बिक रहा है। जी गौरव, ठीक है। इसके अलावा पूरे देश में एक जो माहौल बन रहा है कि आप NPR के साथ हैं कि नहीं है, NRC के साथ हैं या नहीं है, CAA के पक्ष में है या विपक्ष में है, क्या इसकी बहस अब भी फरीदाबाद में आपको नजर आ रही है? लोगों में इसको लेकर कोई चर्चा चल रही है? जी बिल्कुल, देखिए गौरव, जिस तरीके से हरियाणा न्यूज ने पूरे फरीदाबाद में घूम के लोगों से बातचीत की थी कि आप किस तरीके से इसको देखते हैं, तो ज्यादातर लोगों ने इसका समर्थन किया था क्योंकि देश के पक्ष में है। हालांकि आपने देखा कि दिल्ली में कितना प्रदर्शन हुआ था, पर अभी जो मामला है कहीं ना कहीं शांत होता हुआ नजर आ रहा है धीरे धीरे, पर लोगों ने ज्यादातर कहीं ना कहीं NRC का साफ तौर पर समर्थन करते हुए फरीदाबाद में नजर आए थे। जी गौरव, चलिए बहुत शुक्रिया आपका। राजा पटेल जुड़े थे आपके साथ फरीदाबाद से। फरीदाबाद के ही बल्लभगढ़ आपको लिए चलते हैं, जहां से राजेंद्र दहिया हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। राजेंद्र दहिया को प्रकट कराइए। चलिए राजेंद्र जी, सबसे पहले तो नए साल की बहुत शुभकामनाएं आपको। सर आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो और हमारे सभी दर्शकों को, हरियाणा न्यूज के सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे सभी ऊंचाइयों तक जाए और जो आदमी अपनी रखता है पूरी जिंदगी में तमन्नाएं वो सभी पूरी हो। जी चलिए, मौसम कैसा है नए साल में? मौसम का मिजाज ज्यादातर जगहों पर बदल गया है, आपके यहाँ कैसा है? गौरव, मौसम बिल्कुल साफ है और धूप भी निकल आई है और कहीं ना कहीं जो सर्दी है वो अभी बनी हुई है, जो कोहरा है वो समाप्त हो चुका है, लेकिन अब कुछ राहत लोगों को मिली है सर्दी से। तो तमाम जो पीछे 4-5 दिन लगातार जो सर्दी पड़ी उससे लोग बेहाल हो गए थे, लेकिन अब काफी राहत यहाँ पर महसूस हो रही है। जी ठीक है। राजेंद्र, आपके यहाँ ऐसी कौन कौन सी खबरें आज रहने वाली हैं जिनकी वजह से आपको लग रहा है कि हलचल होगी? देखिए आज कोई विशेष कार्यक्रम नहीं है, हालांकि जो कल नया साल था उस पर सभी कार्यालयों पर जो नेता है उन्होंने रखे थे कार्यक्रम पब्लिक के मिलन के लिए, लेकिन आज ऐसा कोई विशेष कार्यक्रम नहीं है। और जो तमाम बात करें प्रशासनिक अधिकारियों की, तो यहाँ पर जो पीछे जागरूकता अभियान चलाए गए थे, चाहे वो गंदगी के ढेर लगे हों या अन्य कई बातें हैं, हालांकि जो दुकानदार हैं बल्लभगढ़ के अभी भी जो आगे जो अतिक्रमण करते हैं उससे बाज नहीं आ रहे हैं, उसको लेकर प्रशासन काफी सजग भी दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद भी जाम की स्थिति शहर में बनी रहती है। ठीक है, जल्दी से आलू प्याज की कीमतें बता दीजिए अब। दया, आपको दया जी अगर आपको आवाज मिल रही हो, आलू प्याज की कीमतें एक बार बता दीजिए जल्दी से।
चलिए लगता है डिस्कनेक्ट हो गया है। तो आज बल्लभगढ़ के आलू प्याज की कीमतें आपको नहीं बता पाए, लेकिन फरीदाबाद से आपको राजा पटेल ने बता दिया था कि आलू अब भी शतक पर है। फिलहाल हल्का हलचल में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको फिर से वादा करके जाते हैं कि कल सुबह दोबारा 7:55 में हम आपके साथ जुड़ेंगे और आपको लिए चलेंगे लाइव आपके ही हलके में, जहां बताएंगे मौसम का हाल और दिन भर कौन कौन सी खबरें सुर्खियां बटोरने वाली हैं। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।